हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आरफा फूड्स। आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला रोटी। ये बहुत टेस्टी होती है और बच्चों को बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। सो प्लीज़ आप लोग ट्राई कर देखिए कि मैं आज ये कैसे बनाने वाली हूँ। आखिरी तक देखिए ये वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। मैंने सारे मसाले ले लिए हैं। हमने 2 स्पून फली ले ली है, 2 स्पून तिल ले ली है और 2 स्पून भीगी हुई चने दाल, 1 कप बारीक कटी हुई प्याज, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, 2 कटी हुई बारीक हरी मिर्च, थोड़ी सी कोतमीर और 4 काड़ी करियापत। अब हम फली और तिल को भून लेंगे। हमने स्टोव सिलगा लिया है, हमने पैन रख दिया है, गर्म हो चुका है। अब इसमें हम फली को डालेंगे, अच्छे से ब्राउन होने तक भुनेंगे। फली को हम निकाल लेंगे। हम अब तिल को भून लेंगे अच्छे से, जब तक ये तिल उछलती है ना ऊपर, जब तक हम इसे ऐसे ही भून लेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने एक बाउल ले लिया है। अब हमें 3 कप चावल का आटा लेना है। इसमें भुनी हुई फली को हमने 2 टुकड़ों में साफ़ कर लिया था, वो डाल लेंगे। हम तिल डाल लिए हैं और 1 कप प्याज डाल लेंगे, भीगी हुई चने की दाल डाल लेंगे, हमारे जो मसाले थे वो इसमें हम डाल देंगे। करियापत डाल लेंगे, थोड़ी सी कोतमीर डाल लेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमने अदरक जो नमक डाला था ना, वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें पानी डालकर इसे मिला लेना है। आप लोग ज़रूर बनाकर देखिए घर पर, बहुत मज़ेदार डिश है ये। इसमें हम और थोड़ा पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमने आटे को अच्छे से मिला लिया है, देखिए इस तरह से मिला लेंगे, ज़्यादा नरम नहीं रहना है। अब हम इसे गोल गोल बॉल के तरह बना लेंगे, देखिए इस तरह से। हमने एक पैन में ऑयल डाल लेंगे, इसे अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ से। हमने जो बना कर रखा था आटे का बॉल, इसमें रख कर इस तरह से दबा लेंगे। हमें अच्छे से दबाना है, बीच में ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। बस कोनों के तरफ पतला होना है, बीच में ज़्यादा पतला नहीं रहना है। इसमें हम बारीक से होल डाल लेंगे, देखिए इस तरह से होल डाल लेंगे, ताकि हमारी जो मसाला रोटी है वो नीचे से अच्छे से तली जाए। इन होल्स में ऑयल डाल लेंगे हम। डालने के बाद इसे स्टोव पर रख देंगे। हमने स्टोव सिलगा लिया है, इसे हम धीमे आंच पर ही रखेंगे, आंच नहीं बढ़ानी है। ढक्कन ढाप कर रख देंगे, 5-6 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। देखिए हमारी मसाला रोटी अच्छे से ब्राउन कलर आ चुका है, नीचे हमें ऊपर से दिख रहा है, देखिए। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। हमारी मसाला रोटी रेडी है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बना कर देखिए। देखिए हमने पीछे से पलटा कर देखा है, ब्राउन कलर अच्छे से आ चुका है। इस तरह से बना लीजिए, हमारा मसाला रोटी रेडी है। सो प्लीज़ अगर आपको ये डिश पसंद आया हो तो ज़रूर बना कर देखिए, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये बहुत मज़ेदार डिश है, मुझे पता है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग ज़रूर बना कर देखिए। अगर आपको ये डिश पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।